कंगना रनौत हुई इमोशनल। अपने डिमोलिश्ड ऑफिस से ही काम करने का लिया बड़ा फैसला। कहा कि वो इस तबाह हुए ऑफिस को एक सिंबल ऑफ वुमेन्स विल के नाम पर रखेंगी। अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के ऑफिस में बीएमसी ने बुधवार को जमकर तोड़फोड़ की थी। वहीं कंगना भी इसी दिन मुंबई पहुंची थी और गुरुवार को उन्होंने अपने ऑफिस का दौरा किया था। ऑफिस विजिट के दौरान एक्ट्रेस के चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। वहीं बीएमसी की कार्रवाई के बाद लोग कंगना के समर्थन में आ गए थे और वो सभी का आभार जता रही थी। अपने ऑफिस से लौटने के बाद एक्ट्रेस ने अपने मन की बात कही है। कंगना रनौत ने ट्वीट करते हुए लिखा, मेरा ऑफिस 15 जनवरी को खुलने वाला था, इसके बाद कोरोना ने हमें सभी को निशाना बनाया, जिसके चलते हम में से अधिकांश ने काम नहीं किया। इसे रेनोवेट करने के लिए पैसे नहीं है, मैं उन तबाह ऑफिस से काम करूंगी। ये तबाह ऑफिस एक प्रतीक है कि एक महिला जो इस दुनिया में उठने का साहस करती है तो उसके साथ ऐसा होता है। आई हैड माई ऑफिस ओपनिंग ऑन 15 जनवरी शॉर्टली आफ्टर कोरोना हिट अस। लाइक मोस्ट ऑफ अस आई हैवंट वर्क्ड एवर सिंस, डोंट हैव मनी टू रेनोवेट इट। आई विल वर्क फ्रॉम दोस रूइंस, कीप दैट ऑफिस रैवेज्ड एज अ सिंबल ऑफ वुमेन्स विल दैट डेयर टू राइज इन दिस वर्ल्ड। इससे पहले कंगना रनौत गाड़ी से अपने ऑफिस पहुंची थी और कुछ मिनटों तक गाड़ी के अंदर से ही बाहर पसरे मलबे को एक टक देखती रही। इस दौरान दफ्तर के मलबे को देख उनकी आंखों में निराशा झलक रही थी। करीब 15-20 मिनट बाहर रुकने के बाद कंगना बिना कुछ बोले घर की ओर रवाना हो गई थी। बताते चले कि कंगना रनौत के घर को बीएमसी द्वारा अवैध बताकर तोड़ने के मामले में गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, जिसमें दोनों ही पक्षों ने समय दिए जाने की मांग की, जिस पर कोर्ट ने अब इसकी सुनवाई को 22 सितंबर तक स्थगित कर दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि इस पर 22 तारीख के बाद सुनवाई होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि 22 सितंबर तक ना ऑफिस में कुछ तोड़ा जाएगा और ना ही जोड़ा जाएगा। दफ्तर की बिजली और पानी की पाइपलाइन कटी है, इसको भी बहाल करने पर रोक लगा दी। फिलहाल आप हमें बताएं कंगना के इस ट्वीट पर आपकी क्या राय है। पोस्ट करिए अपने कमेंट्स। ऑल्सो डू लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।